इजी हे करते. गाइज गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कांचन. सो गाइज ये जो पेंटिंग चल रही थी पिछले व्लॉग में आपने देख ही लिया, वो कम्प्लीट हो गई है. यहाँ पर इस तरह से ये पेंटिंग हुई है और यहाँ पर सुबह सुबह मेरी मम्मी और दोनों मासियाँ मजाक मस्ती करते हुए योगा कर रहे थे. बस यही चल रहा था इनका, बहुत मस्ती करती है, एक दूसरे के साथ मिलती है. वो बोलते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, वैसे ही इनका काम है सभी बहनों का. जब सब बहनें एक साथ होती है तो बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करती है. बस इन लोगों का योगा वगैरह होने के बाद हम लोग दूसरे मामा के घर आ गए थे और वहाँ पर हम लोग पी रहे हैं चाय. एक्चुअली यहाँ पर ना सब लोग जब मिलते हैं तो सब लोगों के साथ चाय पीने का, सब लोगों के साथ नाश्ता करने का और सब लोगों के साथ खाना खाने का मज़ा ही कुछ और होता है. बस यहाँ पर चाय पी के हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे. बस यहाँ पर मस्ती मजाक खत्म हो जाने के बाद सब लोग जाएंगे अपने अपने कामों में लग जाएंगे. सब लोगों ने यहाँ पर नहा लेने के बाद पूजा चल रही है. यहाँ पर नवग्रह की पूजा बोलते हैं तो वो चल रही है. मासी नवग्रह की पूजा कर रही है और बड़ी वाली मासी हेल्प कर रही है उसकी. तो आपको दिखा दूँ मैं कि कैसे पूजा होती है. यहाँ पर इस तरह से नवग्रह को रखा जाता है और इस तरह से मतलब क्या बोलते हैं, दाल चावल और ये सारी चीज़ें वहाँ पर रखी जाती है और भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें. तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी. उस तरह से हमारे साइड में नवग्रह की पूजा होती है और वो पूजा होने के बाद ही सारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है. और आप पीले वाले देख सकते हो वो मटके, तो वो देवकुंडी के मटके हैं और यहाँ पर देवकुंडी के लिए ही ये सजाया जा रहा है. मतलब ये रंगोली वगैरह निकाली जा रही है देवकुंडी के लिए. यहाँ पर देवकुंडी की पूजा होगी वो आप देख ही लेना बाद में. और यहाँ पर नवग्रह की पूजा भी कंप्लीट हो गई है. आप देख सकते हो इतना सुंदर लग रहा है मंदिर. और इसके बाद यहाँ पर पंडित जी आ गए हैं पूजा करवाने के लिए. तो यहाँ पर पूजा करने की तैयारी चल रही है. और यहाँ पे ये हरा मंडप बोलते हैं ना, तो किस किस साइड में होता है हरा मंडप कमेंट करके ज़रूर बताना. तो हरा मंडप डालते हैं शादी से पहले, उसके बाद ही सारे प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं. तो यहाँ पर ब्राह्मण को जो भी चीज़ें चाहिए थी वो हमने उन्हें लाके दी थी. उसके बाद हम लोगों ने फोटो सेशन अपना स्टार्ट कर दिया. तो यहाँ पर चल रहा है सबका फोटो सेशन, जो भी येल्लो येल्लो पहना था सबने, तो वो फोटो सेशन चल रहा है सबका. और उसके बाद होगा बहनों का फोटो सेशन. पहले हमारी चिल्ड्रन पार्टी का फोटो सेशन हुआ, उसके बाद ये बहनों का फोटो सेशन होगा. तो ये जो बहू है वो भी बीच में आ गई थी. तो ये मेरी बड़ी मासी की बहू है. और उसके बाद देवकुंडी की पूजा स्टार्ट हो गई है. तो मामा मामी बैठ गया है पूजा में. मतलब या तो बड़े भाई और बड़े भाभी बैठ सकते हैं दूल्हे के, और या तो मम्मी पापा बैठ सकते हैं. तो बड़े भाई और बड़ी भाभी बैठ गए थे. तो यहाँ पर मामा कर रहे हैं ये मंडप की तैयारी, मतलब जो हर मंडप होता है उसकी तैयारी. और यहाँ पर दूल्हा शुभ लाभ लिख रहा है क्योंकि सबसे हाइट बड़ी दूल्हे की है यहाँ पर, इसी वजह से वहाँ तक किसी की हाइट पहुँच नहीं रहती. इसी वजह से दूल्हे ने फाइनली ये कम्प्लीट करी दी डिज़ाइन. और साइड की डिज़ाइन तो बच्चों ने ही कम्प्लीट की थी, बट वहाँ तक हाथ नहीं पहुँच रहा था तो दूल्हे ने कम्प्लीट कर दी. और उसके बाद यहाँ पर ग्रुप फ़ोटोज़ लिए जा रहे हैं. तो यहाँ पर वही चल रहा है, उनको यो करना सिखा रही थी मैं सबको. तो वो कैसे करते हैं ये. बस फोटो सेशन में ही कितना सारा टाइम निकल गया, बट फोटोज़ भी ज़रूरी होते हैं यार. किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो फोटोज़ ही हमारी यादें बन के रहते हैं. तो ये कैमरामैन फ़ोटो खींच रहा था तो इसी वजह से ये पोज़ हम लोग यहाँ पर दे रहे थे. उसके बाद यहाँ पर दूल्हे के साथ सेल्फी ली जा रही है अपने अपने स्टेटस रखने के लिए. सब लोग यहाँ पर दूल्हे के साथ सेल्फी ले रहे हैं. और उसके बाद दूल्हे की एंट्री होगी. ये सारे पोजेस कैमरामैन को देने थे तो इसी वजह से ये सारा चीज़ें हो रही है यहाँ पे. उसके बाद यहाँ पर देवकुंडी की पूजा हो रही थी, तो वही पूजा के लिए हम लोग सब लोग बैठ गए थे यहाँ पर. और पूजा चल रही थी, उसके बाद सडनली मुझे याद आया कि हमें ये भी बनाना है, हल्दी भी बनानी है. तो हल्दी के लिए जो सामान चाहिए था वो घर पे नहीं था. मतलब जैसे कि जो भी सामान बाहर से मार्केट से लाना था, तो हल्दी जब बाद में बनाऊंगी मैं तब आपको दिखा दूंगी कि क्या क्या सामान हम लोगों ने बाहर से लाया. फिर मैं अपने छोटे भाई को मतलब मासी के बेटे को लेके गई मार्केट. उसके बाद हम दोनों सामान लेके आए और उसके बाद हम लोगों ने हल्दी बनाई. और जब तक हम लोग मार्केट गए थे और मार्केट से सामान ला रहे थे, तब तक ये यहाँ पर सजाना चल रहा था. मतलब बलून्स वगैरह फुलाना चल रहा था और इन लोगों की मस्ती चल रही थी. उसके बाद यहाँ पर आरती हो रही है. Thank you.
बस सारा सामान यहाँ पर ला लिया था हम लोगों ने दोनों ने मिलके, और उसके बाद यहाँ पर हल्दी बनाने की तैयारी चल रही है और हल्दी की सजावट भी चल रही है। तो ये बीच बीच में आ ही मासी का बेटा मेरा, और उसके बाद यहाँ पर सब लोग जो तैयारियाँ करेंगे वो भी आपको दिखा दूँगी, और हल्दी कैसे बनाने वाली हूँ मैं वो भी आपको दिखा दूँगी। ये जो हल्दी आप देख रहे हो इसके अंदर, वो घर पे पीसी हुई रसम वाली हल्दी है, और उसके बाद उसमें क्या क्या मिलाने वाले हैं हम लोग तो वो आपको बता देती हूँ। उसमें हम लोग मिलाने वाले हैं ये मुल्तानी मिट्टी के पैकेट, दो मुल्तानी मिट्टी के पैकेट लिए थे, और उसके बाद दो लिए थे चंदन पाउडर के पैकेट, और दो ये विको टर्मरी के। तो यहाँ पर जो मिला वो लेके आए थे हम लोग, और ये मतलब ये इसमें मिक्स करना है, तो बस इसमें एक मिक्स कर देना है, थोड़ी सी हल्दी भी डालनी है, मतलब जो अपने घर वाली हल्दी होती है वो हल्दी भी डालनी है। अगर आपके पास कसूरी हल्दी है तो वो कस्तूरी हल्दी भी आप डाल दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा ग्लो आता है और पीला पीला भी नहीं करता है। तो हम लोगों के पास नहीं थी, इसी वजह से हमने सादी हल्दी डाल दी, जो घर वाली हल्दी होती है हमारी, जो हम लोग इसमें क्या बोलते हैं सब्जी वब्जी में डालते हैं उस वो वाली हल्दी। बस ये सब कुछ इसमें ऐड करने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा रोज़ वाटर और थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा पानी, उसको अच्छे से मिक्स करने के लिए और अच्छे से गीला करने के लिए हल्दी को। तो थोड़ा सा पतला ही रखना ताकि आप बहुत सारे लोग होते हो और उसके बाद बहुत सारे लोग एक दूसरे को लगाते हैं तो वो मतलब उतनी क्वांटिटी होनी चाहिए इसी वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब लोगों का फोटो सेशन चल रहा है और यहाँ पर हम लोगों का हल्दी बनाना चल रहा है। पानी की क्वांटिटी आप देखना, थोड़ा सा पतला होना चाहिए, ऐसे ही आप क्वांटिटी डाल देना उसमें और बस मिक्स कर लेना सारी चीज़ों को। अगर आपके घर में भी कोई फंक्शन हो हल्दी का तो आप इस तरह से हल्दी बना सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है हल्दी, और ये ना बहुत अच्छे से फेस पैक का भी काम करती है और हल्दी का भी काम करती है, और अच्छे से ग्लो लाती है आपके फेस पर, इतना ज़्यादा अच्छा ग्लो आता है ना इसकी वजह से, बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है ये वाली हल्दी। आपके भी घर में कोई फंक्शन हो हल्दी का तो ये वाली हल्दी ज़रूर आप बना के देखना, बहुत अच्छा ग्लो आएगा। और यहाँ पर चल रहा है ग्रुप फ़ोटो सेशन, तो यहाँ पर वो जो फोटोग्राफर है ग्रुप फ़ोटो ले रहे थे तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर अच्छे से माही ने ये प्लेन कर दिया है सजाने के लिए, और यहाँ पर मैंने पत्ते भी लगा दिए है। मामी आई थी और मामी ने वो अच्छे से डेकोरेट किया था फूल वगैरह से, घर के ही फूल तोड़े थे, और उसके बाद अच्छे से वो टेबल डेकोरेट किया था, बट उसके बाद वो टेबल का काम ही नहीं पड़ा, ये टेबल ऐसे ही डेकोरेट कर दिया था हम शूट करने के लिए, जैसे कि मतलब वीडियो शूट करने के लिए जो फोटोग्राफर थे उनको शूट करना था। और यहाँ पर मामा के मेहंदी देखिए कितनी ज़्यादा रची है, इतने काम करने के बाद भी इतनी अच्छे से रची है उनकी मेहंदी। फिर ये मेरी मामा की दोनों बेटियाँ, उन्होंने थोड़े से फूल का वो सजाया, और उसके बाद मामी आई तो मामी ने थोड़े से और अच्छे से डेकोरेट किया, मामी को बहुत अच्छा सा डेकोरेशन आता है। तो आपने देखा होगा मेरे भाई की शादी में भी हल्दी का डेकोरेशन मामी ने ही किया था, मतलब हल्दी का मीन्स हल्दी की जो प्लेट रेडी की थी वो मामी ने रेडी की थी। यहाँ पर हमने सब कुछ मिलके किया, और उसके बाद यहाँ पर चल रही है मेरी हेयर स्टाइल। एक्चुअली थोड़ी सी हेयर स्टाइल मुझे फ्रंट से बनानी थी, और वो हेयर स्टाइल बना के दी थी मेरी मामा की बेटी ने, ये छोटी वाली बेटी है, और उससे थोड़ी सी अच्छे से हेयर स्टाइल बना के दी थी आगे से, मुझे क्या बोलते हैं उस हेयर स्टाइल को वो भी नहीं पता है, लेकिन आप बाद में देख लेना कैसी बनी थी। और यहाँ पर इनका डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है वीडियो शूट के लिए, तो बस ये इस तरह से डेकोरेशन कंप्लीट किया था, बट यहाँ पर हम लोगों ने हल्दी नहीं लगाई क्योंकि जो दिशा थी वो अलग हो रही थी, तो सब बोल रहे थे कि पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके मतलब जो दूल्हा है उनका मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, इसी वजह से बाद में हल्दी हम लोगों ने साइड में लगा दी। तो यहाँ पर चल रहा है हमारा खाना, सब लोग मिलके यहाँ पर खाना खाते हैं, और सब लोगों का मतलब बाहर वालों का खाना हो गया था, हम घर वाले ही रह गए थे तो इसी वजह से घर वाले खाना खा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर तैयारियाँ की हल्दी लगाने की, तो यहाँ पर दूल्हे का वो जो चौरंग है वो रख दिया है, और उसके बाद इस वाले छोटे से टेबल पे हम लोगों ने ये जो थाली है वो रख दी है। तो आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है हल्दी, और बहुत अच्छा ग्लो आया था हल्दी का। तो उसके बाद हम लोगों ने दूल्हे को हल्दी लगाना स्टार्ट कर दिया था, पर थोड़ी सी पहले तैयारियाँ होती है, वो तैयारियाँ चल रही है, फोटो सेशन चल रहा है। हल्दी लगाने के बाद दूल्हे को नहलाया जाता है, तो उसे नानोरा बोलते हैं हमारे साइड में, वो भी आप देख लेना अगले ब्लॉग में, उसमें भी हमने बहुत मज़े किए, बहुत मस्ती की, तो वो भी आपको अगले ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर दूल्हे को तेल चढ़ा रहा है, तो किस किस के साइड में इस तरह से रीति रिवाज है, इस तरह से रस्में होती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मतलब जो मराठी है उनके साइड में तो होता ही होगा, मराठी छोड़ के आपके भी साइड में इस तरह की रस्में होती है कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे पता चलेगा, मुझे अच्छा भी लगेगा आपके साइड के रीति रिवाज सुन के।
और यहाँ पर बस तेल चढ़ा रहा है। एक्चुअली आज का दिन वो था, मतलब सैटरडे था, तो इसी वजह से सैटरडे के दिन तेल चढ़ाना नहीं होता है, मतलब पहला तेल नहीं चढ़ाते हैं, तो इसी वजह से ना रात को ही हम लोगों ने दूल्हे को तेल चढ़ा दिया था, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई। रात को ही तेल भी चढ़ा दिया था और जो रसम वाली हल्दी होती है वो भी लगा दी थी। वैसे जो रसम वाली हल्दी होती है वो तो रात को ही लग गई थी, उसके बाद ये ऐसे ही हमारा फंक्शन चल रहा है, मतलब जो फंक्शन होता है प्रॉपर वो फंक्शन चल रहा है, बट सैटरडे होने के कारण, मतलब शनिवार के दिन नहीं करते हैं बोलते, तो इसी वजह से ये हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। जो रसम वाली हल्दी है वो पहले ही लग गई थी दूल्हे को। सबसे पहले तेल चढ़ाया दूल्हे को और उसके बाद हल्दी लगाने वाले हैं, तो हल्दी लगाने के लिए देखो अभी घिस घिस के हल्दी लगाएंगे सब। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मामा ने येलो क्यों नहीं पहना है, बट मामा का कहना था कि मैं वाइट पहनता हूँ और उसके बाद आप जो हल्दी है उससे मेरा शर्ट येलो करो, तो इसी वजह से मामा ने ये पहना था वाइट, उनका मन वाइट पहनने के लिए ही था, तो इसी वजह से ये पहन लिया और फिर हम लोगों ने पूरा येलो कर दिया था शर्ट को। और आप देख सकते हो यहाँ पर मामा को रगड़ रगड़ के मेरी मम्मी हल्दी लगा रही है, तो बस यहाँ पर वही चल रहा है, यही होगा और उसके बाद सब लोग हल्दी लगाएंगे मामा को। यहाँ पर जो भी आया है वो सब हल्दी लगाएंगे, उसके बाद मामा को नहलाएंगे, मतलब उसे नहनौरा बोलते हैं वही। तो अब आगे देख ही लेना, उसके बाद हमारा डांस स्टार्ट होगा। भाई मागे मागे